अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे PSP सोनी के अंदर हम गेम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारा तरीका आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखें, हमने ये एक वेबसाइट है गेम्स torrent.tv। दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का एड्रेस दे दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन दोस्तों को PSP के बारे में नहीं पता, इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा PSP के बारे में। उसमें 35 गेम इंस्टॉल हैं। जो दोस्त बाय करना चाहें draaz.pk से, कैश ऑन डिलीवरी उनको मिल जाएगी, तो वो बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, मेन चीज़ जो ये है दोस्तों, सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है FDM मैनेजर। दोस्तों इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टोरेंट फाइल भी है, IDM फाइल भी करता है दोस्तों, ये दोनों फाइलें सपोर्ट करता है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी पसंद की गेम सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों ये सिर्फ फीफा है, ये पसंद करें आप। अब दोस्तों इसको नीचे लेके आए, ये आपकी फीफा डाउनलोडिंग हो रही है। आपने इसी तरीके से जितनी आपको गेम पसंद है, 5, 6, 10, 15 जितनी गेमें आप पसंद करते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जब ये गेम मिलेगी तो इस तरह रार फाइल के अंदर होगी, आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर। ये देखें, ये क्लोज व्यू है, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, उस गेम का बन जाएगा ISO। आपने क्या करना है, आपने PSP का मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगा देना है, तो उसके अंदर इस तरह फाइल फोल्डर बने हुए आ जाएंगे। आपने उसमें एक ISO का फोल्डर बनाना है या पहले से बना होगा, उस ISO के फोल्डर में उस गेम को आपने कॉपी कर देना, जस्ट बस आपकी गेम प्ले हो जाएगी। और जिन दोस्तों को PSP के बारे में नहीं पता, मैं इस वीडियो के लास्ट में PSP गेम्स के लिंक दे दूंगा आपको कि आप उसको कैसे बाय कर सकते हैं, कौन कौन सी गेम्स हैं, वो सब डिटेल आपको मैं इस लिंक के एंड में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।